जो एक प्रॉब्लम था वो ये है, लोगों को बहुत आता है कि आप देख लीजिए इसका iOS वर्जन 17. जो है 17.5.1 है ओके, और इसका जो बैटरी हेल्थ है वो 100 हो चुका है, मैक्सिमम कैपेसिटी 100 हो चुका है, स्टिल क्या है इम्पोर्टेड बैटरी मैसेज है, क्या सर्विस में ही है अभी भी? तो कस्टमर जो होता है ऐसे टाइम पे नहीं मानता है, तो इसका दो सॉल्यूशन है। हाय फ्रेंड्स, मैं रिंकेश आज आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ जिसका कि हमारे वीडियोस पे बहुत सारा कमेंट आ रहा था और बहुत लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे। तो ये जो वीडियो है वो रिलेटेड है बैटरी प्रोग्रामिंग से, कि बैटरी प्रोग्रामिंग और बैटरी हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसका क्या क्या सॉल्यूशन होता है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि जैसे कि बैटरी हेल्थ है, तो बैटरी हेल्थ बढ़ाई तो नहीं बढ़ रही है, सेम ही रह रहा है ओके, पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि बैटरी इंक्रीज हो जाता है 100 स्टिल ये मैसेज रहता है, तो दूसरा प्रॉब्लम ये है। थर्ड प्रॉब्लम ये है कि अगर हम हेल्थ बढ़ाने के टाइम पे फ़ोन को फ्लैश करते हैं तो उसमें एरर आ रही है, 40% पे रुक जा रहा है या 60% पे रुक जा रहा है या 17% पे रुक जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, हम लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं और हम लोग रोज़ फेस करते हैं, इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं। और एक और भाई का कमेंट था कि मतलब अगर फ़ोन रिस्टोर करते हैं तो वो उसकी ओरिजिनल जो हेल्थ है जैसे 60 पे था, जैसे अभी ये 100 पे है ठीक है। अभी आप देखिए ये 14 प्रो आपको मैं स्टार्ट से दिखाता हूँ, देखो तो ये मॉडल नंबर है इसका 14 प्रो ठीक है, और ये इसका iOS वर्जन है 17.5.1 ओके। तो अभी किसी भाई ने कमेंट किया था कि अगर हम इसको फ्लैश करेंगे तो इसका हेल्थ नीचे गिर जाएगा, तो वो तो जाहिर सी बात है, अगर आप फ्लैश करोगे तो हेल्थ नीचे चला ही जाएगा, क्योंकि ये पेच करता है ना कि उसकी प्रोम को रिसेट कर देता है, ये पेच करता है, एक प्रकार का एक ये कैमोफ्लाई है ऐसा, मतलब कोई वो नहीं है कि कंपनी वाला मामला है यार। हम लोग 3,000-4,000 रुपये लेते हैं बैटरी बनाने के लिए, कंपनी वाले लेते हैं 10,000-12,000-8,000-9,000 रुपये, तो हम लोग क्या कर देंगे। ये जो चीज़ें हैं एप्पल ने लिंक की हुई हैं सीपीयू से डायरेक्ट, इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं अभी कि जो iOS वर्जन है, जो iOS वर्जन है 17.5.1 ओके, तो इसमें बहुत लोग बोल रहे हैं, हम लोग आपको कमेंट भी ऐसा है तो स्क्रीन पे शो कर देंगे कि इस वर्जन में हेल्थ नहीं बढ़ रही है। तो देख लीजिए आपके सामने ही है, अभी हमारे स्टाफ ने बैटरी चेंज किया हुआ है, इसके लिए हम लोगों ने OSS का यूज़ किया था। अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो JCID का Q1 तो ये भी यूज़ कर सकते हो। अभी आप इसका बैटरी हेल्थ देख लो, आप वैसे मैं दिखा ही चुका हूँ, आप देख लो ये 100% हो गया ठीक है। तो मतलब ये तो परफेक्ट काम हुआ है, लेकिन जो एक प्रॉब्लम था वो ये है, लोगों को बहुत आता है कि आप देख लीजिए इसका iOS वर्जन 17. जो है 17.5.1 है ओके, और इसका जो बैटरी हेल्थ है वो 100 हो चुका है, मैक्सिमम कैपेसिटी 100 हो चुका है, स्टिल क्या है इम्पोर्टेड बैटरी मैसेज है, क्या सर्विस में ही है अभी भी? तो कस्टमर जो होता है ऐसे टाइम पे नहीं मानता है, तो इसका दो सॉल्यूशन है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो पहला सॉल्यूशन क्या है कि आप इसमें एक कोई भी कॉपी बैटरी डालिए या किसी दूसरे डिवाइस की बैटरी डालिए जिसमें कि अननोन पार्ट आता हो, और वो लगा के आप इसको लेटेस्ट वर्जन से फ्लैश कर दीजिए ओके। इसके बाद आप क्या कीजिए कि फिर से OSS में लगा के प्रोग्राम करके इसको फ्लैश कीजिए। कैसे फ्लैश करना है, OSS का कैसे प्रोग्रामिंग होता है, इसकी वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी बनाई है, अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, वो वाला वीडियो जाके आप चेक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग मतलब कि OSS पे बैटरी हेल्थ कैसे बढ़ाते हैं। तो 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी सेम है, अगर आपका फिर भी हेल्थ नहीं बढ़ रहा है, ऐसे ही 100 ही आ रहा है, तो फिर आपको क्या है, तो नेक्स्ट अपडेट का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इसके अंदर बग्स है और ये नहीं फिक्स होगा। तो जब नेक्स्ट अपडेट आएगा या तो ये ऑटोमेटिक चला जाएगा और या तो अपडेट करने पे ये रियल पे आ जाएगा, उस टाइम आप हेल्थ बढ़ाओगे तो इसका हेल्थ बढ़ जाएगा ओके।
और तीसरा क्या है, कस्टमर्स का कहना ये होता है कि हेल्थ बढ़ ही नहीं रही है। तो हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे केस आए थे, उसमें हम क्या करते हैं कि एक बार इससे करके देखते हैं, ओएसएस से अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो JCID का Q1 है इससे करते हैं। हम लोग इसको ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज ये यूज़र थोड़ा फ्रेंडली है, थोड़ा ईजी है, इसीलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ये भी ईजी है, ये भी कोई हार्ड नहीं है, और इससे कैसे यूज़ करना है, और JCID Q1 का वीडियो जो है हमने ऑलरेडी बनाया है कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, अभी आपको डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा, ये वाला वीडियो है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, और दूसरी बात ये थी कि बहुत लोगों ने ये कहा कि अगर रिसेट मारने पे डाउन हो जाता है, हेल्थ फिर से आ जाता है, भाई वो तो आएगा ही, हाँ, कोई सर्विस सेंटर वाला काम नहीं है ये, पूरा कैमोफ्लाई और पैच करने का काम है, तो बट कस्टमर को बैकअप मिलेगा। आप सोचो कि इतनी फूली हुई बैटरी है, इसमें क्या कस्टमर को बैकअप आएगा बताओ, जो एक साल यूज़ हो चुकी है उसका पूरा यूज़ कर लिया है तो उसका बैकअप नहीं आएगा ना, नया सेल डालोगे तो बैकअप आना ही आना है, फिर भले हेल्थ नीचे आ जाए रिस्टोर करने के बाद, क्या ही कर सकते हैं, तो आ गए नीचे तो फिर बढ़ा के दे दो। बाकी अभी तक इसका ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं आया हुआ है कि रिस्टोर करने पर हमारा जो हेल्थ है वो बना ही रहे, अपडेट करने पे नहीं गिरता है, किसी किसी में गिर जाता है अपडेट करने पे, लेकिन सब में ही नहीं गिर जाता है कि सब में ही हेल्थ गिर गया एकदम से ही, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।